नमस्कार मु श्रीमान लक्ष्मण गौड़ प्रिंसिपल स्कूल फॉर ऑटिज्म मैनेजर बाय मार्गदर्शी चंदका भुवनेश्वर। आज ऑनलाइन क्लास व्यवस्था को आपण मानक स्वागत। आज मुझे एकेडमिक रो गोटे स्किल जोटा कि नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल जानिबा द्वारा कौन हम ना पिला मानकर जातीयता भावना जाग्रत हो, से माने सब नेशनल सिंबल गुड़ी को चिन्ह पारे आउ कहीं से गुड़ाक पालन करागुड़ा कहीं ऑब्जर्व करा से विषय अवगत हो पारे। तेणु अभिभावक मान को मोर अनुरोध कि पिला घरे एभलिया पिक्चर देखे कि आउ फ्लैश कार्ड मध्य करके देखे कि से मानकू सिखे पारे। विशेष करके ऑटिज्म पिला मानकर माने पिक्चर देखिकी सीखी पारे से माने सहजरे, किंतु पार्टी सेमती कहले से माने सीखी पारंती। तेणुक आम विभिन्न एक्टिविटी माध्यम रे तांको सीखे पारिबा, जेमती गप माध्यम रे हो, गीत माध्यम रे हो, कि सिंबल देखिकी हो, एभलिया माध्यम रे आम से शिक्षा प्रदान करि पारिबा। तेणु आपण माने टिके सहयोग करिवे आ बारंबार तांको प्रैक्टिस करिवे, जेहेतु से माने एबे घरे अछंती। तेणु आपण तांको प्रैक्टिस करेबे, प्रैक्टिस करेकी तुमको एगुडा को सिखै परबे। अच्छा पिला माने घरे अछना? अच्छा ठीक अछि। मु आज गीत माध्यम रे तमको किछि सिंबल सिखैबी, ठीक अछि? तमे ताको ध्यान दैकि सुनिबो। हां तो देख एठी केते गुडे पिक्चर अछि। एटा हला हमर जातीय पताका, जातीय पक्षी, जातीय पशु, जातीय फूल, जातीय फल, जातीय खेल, ठीक अच्छे। आपको आम शिखी कमी देख गीत मध्यम मुझे फास्ट कार्ड करा देख एटा जातीय पताका ना गीत मध्यम आम शिखा कमी शिखा विदेशी शासन अधीन थिला देश से काले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर जातीय ध्वजाम उड़ई फर फर जातीय ध्वजाम उड़ई फर फर। देख जातीय पताका ना एटा केमिति फरफर होकर उड़ूची। अच्छा पिले कहल देखी आम स्कूल केबे जातीय पताका उड़ाऊचे? जनवरी मास 26 तारीख रे आउ अगस्त मास 15 तारीख रे आम स्कूल जातीय पताका आम उड़ाऊचे ना कि आपको साल्यूट मारुचे ना। अच्छा देखी ना यहाँ? हाँ देख आर जातीय पताका केतटा रंग अच्छी? केतटा रंग? तीनोटी रंग अच्छी ना कि प्रथम ऊपर अच्छी नारंगी, मझे धला आ तले सबुज रंग, आ मझे गोटे अशोक चक्र अच्छी। ए चक्र गोटे अच्छी आपको कहा अशोक चक्र ना कि? अच्छा ऊपर जो नारंगी रंग अच्छी ए नारंगी रंग ए तीन टा रंग आमको तीन टा प्रतीक प्रदान करा बार्ता प्रदान कर। नारंगी रंग आमको हिंसा द्वेष ए सब सब त्याग करिया ए त्यागर प्रतीक है ना। ये सब जिनस खराब जिनस गुड़ाक आम त्याग करिया ये आमको शिक्षा प्रदान करमती। धला रंग अच्छी मझे ठीक? अच्छा धला रंग कौन ना? धला रंग हूँ सत्य आ शुद्धर प्रतीक आमको सत्यर बार्ता प्रदान कर। सेमती तले अच्छी आमर सभा तले अच्छी सबुज रंग, सबुज रंग आमको समृद्धि प्रतीक दौचे ठीक। आ मझे अच्छे आमर अशोक चक्र, अशोक चक्र कौन ए अशोक चक्र रे आमर 24टा स्पोक अच्छे अख अच्छे ठीक। तेणु ये हूँ आमर जातीय पताका ठीक अच्छे। ताको इंग्लीश रे कहा कौन नेशनल फ्लैग ना कि? अच्छा जातीय पताका मन रहा समस्ते देख लार केतटा रंग भी जान ला
आ प्रति रंग आमको कि शिक्षा प्रदान करे ठीक अच्छे सेमती इला आमर जातीय पताका गला तो आमर आ गोटे आसला जातीय पक्षी ये देख ल जातीय पक्षी एटा जातीय पक्षी ना जातीय पक्षी मयूर नहीं कि ताको इंग्लिश रे पिकअप बोली कह कि ठीक अच्छे अच्छा आपको कौन करवा जातीय पक्षी देखा केमती देख मु गीत बोल तुम बोल ठीक अच्छे सुनील ग्रीवाटी ढलाई धीरे सुमंजुल चूल दोलाई सिरे सुढ़ल नयने जिमुते देखी छन छन मन कला पटे की सिखिटी माती फुलाई दे छबीर छाती अच्छा सुनील ग्रीवाटी ग्रीवा माने जो कंठ देख कंठटा तार बेकटा नीलवर्णर ना सुनील ग्रीवाटी ढलाई धीरे सुमंजुल चूल दोलाई सिरे ऊपर मयूर गोटे चूल अच्छी पिक्चर देख ये अच्छी ना हाँ सुढ़ल नयनी ढल ढल नयनी मान आखिरे से देखी था है छन छन मन कला पटेकी देख कला मेघ को देखिले मयूर निजर पुच्छ विच्छुरित करे जमती ये करूँ ये पुच्छ बंद हो जाए ना कि ये कि पुच्छ विच्छुरित होने तेणु कला मेघ देखिले मयूर नाचे ये पक्षी देखा बहुत सुंदर नहीं कि आउ बहुत आदर भगवान श्रीकृष्ण ये पक्षीर चूल को मुंडे लगे थे ना ठीक तेणु आपको आमर जातीय पक्षी कह जाए आर आर स्वर भी बहुत मधुर आमको आम शुणी हाँ आर स्वर बहुत मधुर नहीं कि अच्छा ठीक अच्छे ये है आमर जातीय पक्षी सेमती तापर एटा कौन देख ले कहल ये हूँ आमर नेशनल एनिमल बा जातीय पशु कौन जातीय पशु बाघ बाघर गप तुम शुणी टुना टुनी भाई भौणी आणिले चाउल चूना डेरीवाटिले चकुली कले कहले चटिया अना कबाट खोली डाकिला टुना बाघ मामू हे आस चकुली चीनी चटनी खाई चौकी उपरे बस चौकी हेला कट कट बाघ मामू छटपट नहीं कि अच्छा ठीक अच्छे ये है आमर जातीय पशु आम जातीय पशु आमको कौन शिक्षा प्रदान करथाय ना ब्रेव माने साहसिकता प्रदान करथाय ना साहस प्रदान करथाय तेणुक आम ताको जातीय पशुर मान्यता देछु ना तेणु जातीय पशु कौन बाघ ठीक अच्छे पिक्चर देखी अच्छा अच्छा पिले एटा देख एटा कौन एटा कौन पद्म फूल इंग्लीश रे ताको लोटस बोली कह जाए नहीं कि जातीय फूल को पद्म फूल बोली कह जाए जमती ये पिक्चर भी देख बड़ चित्र अच्छे ये जातीय फूल पद्म फूल ए फूल देखा को बहुत सुंदर आ रंग हूँ गोलापी देखा को बहुत सुंदर लगे हाँ तार पाखुड़ा गुड़ाक भी बहुत सुंदर नहीं कि आमर मार्गशीर मास चलची ना ए मासरे माँ मैने गुरुवार दिन पूजा करती कौन को ठाकुराणी को पूजा करती कहला देखी माँ लक्ष्मी की पूजा करती ना ठीक आउ माँ लक्ष्मी का उपरे बस था पद्म फूल उपरे बसी था ना फोटोरे भी आम देखी जो मैंने देखने माँ को कहले देखेदेवे ठीक अच्छे आ गीत बोलू था कौन नमस्ते कमला माघ सागर दुहणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाट राणी नमस्ते कमला माघ अति दयावती
ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି। ତେଣୁ ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୁ। କମଳା ମାନେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ଯେହେତୁ କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଆ କମଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଦ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଲୋଟସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ। ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖିଛ କେବେ? ଏଇଠି ଦେଖ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଖାଇଛ କେବେ? ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଆର ଏହାର କଲର୍ ହେଉଛି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବର କଲର୍ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ତେଣୁ କରିବାକୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ଖାଇଛ ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବକୁ? ତ ଏଇଟା ଆମର ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଫଳ, ଆର ରସ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥାଏ, ନା କି? ଆମର ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଉପରେ, ତାକୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କ'ଣ ତି ସେ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ମଳୟ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ବହି, ପୁଲକିତ କର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କି ଶୁଭ ସମାଚାର କହି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଉପହାର ଘେନି ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଲସି, ଉଦାର ହୃଦୟେ ଗ୍ରହଣ କର ତା ମୃଦୁ ଲୀଳରେ ହସି। ମୁଁ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ପବନ ବହିଥାଏ, ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆମକୁ ମିଳେ। ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଶେଷରେ ଆମର ରହିଲା ଜାତୀୟ ଆମର ଗେମ୍, ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି କ'ଣ, ହକି। ଦେଖ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ବଲ୍, ହେଲା। ଏ ହକି ଖେଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ଲେୟର୍ ଥାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ। ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତରେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା ହକିକି। ତ ହକି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେବା ଆମେ, ଆସ ନାଚି ଯିବା ଆସ ଗାଇ ଯିବା, ନାଚି ଗାଇ ଆମେ ହକି ଖେଳି ଯିବା, ଆସ ଗାଇ ଯିବା ଆସ ନାଚି ଯିବା, ନାଚି ଗାଇ ଆମେ ହକି ଖେଳି ଯିବା, ଏଇ ନୂଆ ସୂରୁଜର ନୂଆ କିରଣରେ ସବୁ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ, ଆସ ଗାଇ ଯିବା ଆସ ନାଚି ଯିବା, ନାଚି ଗାଇ ଆମେ ହକି ଖେଳି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ତ ଆମର ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକ, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇକି କହିବି, ତୁମେ ମୋତେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର କେଉଁଟା, ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇକି କହିଲ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ନା, ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା। ଠିକ୍, ଆମେ ଏଠି ନେଇକି ଦେଖ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟା, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ମୟୂର, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏଥିରୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କର, ତ ଏମିତି ତୁମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ସେମିତି ଜାତୀୟ ଫୁଲ, ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ପଦ୍ମ ନା? ଠିକ୍, ତ ଆମେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ଦେଖ, ଦେଖିଛ ବାଘ କରୁଥାଏ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଜାତୀୟ ପଶୁ, ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ଜାତୀୟ ଫଳ, ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଭିତରୁ କହିଲ,
ଏଇଟା ନା ହେ ହଁ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ। ଦେଖ ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଲା ଆମ୍ବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ, ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଲା ହକି। ଏଇଟା ହକି ବ୍ୟାଟି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା ହକି, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ ମୋ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଘରେ ଏଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇକି କିମ୍ବା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ମନରୁ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ, କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖେଇଲେ ସେମାନେ ସେ ସିମ୍ବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରାହେଉଛି କି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ ସଙ୍କେତ ରୂପରେ ମାନୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର।